सो दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप आप मस्त होंगे और आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप सब प्रोफेशनल थंबनेल कैसे बनाओगे अपने यूट्यूब वीडियो के लिए। गाइज, आप सब मेरा थंबनेल देखते ही होगे, काफ़ी अट्रैक्टिव थंबनेल रहता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी वीडियो का थंबनेल बनाकर दिखाने वाला हूँ और आपको सारा चीज़ सिखाने वाला हूँ क्या कैसे करते हैं। और आप सब भी इस वीडियो को देखने के बाद आप सब भी अपने वीडियो के लिए बहुत ही अट्रैक्टिव थंबनेल बना पाओगे। और गाइज, अच्छा थंबनेल बनाने के बाद आपके वीडियो पर अगर आप सेट करोगे तो आपके वीडियो पर हज़ारों व्यू आने वाले हैं। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखते रहना। तो चलिए गाइज, वीडियो को शुरू करते हैं। क्या कैसे करना है आपको, कैसे आप थंबनेल बनाओगे, सारा चीज़ मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन। सो दोस्तों, मैं अपना थंबनेल पिक्सल लैब से बनाता हूँ। और गाइज, पिक्सल लैब एप्लीकेशन काफ़ी शानदार एप्लीकेशन है और इस एप्लीकेशन से बहुत ही प्रोफेशनल थंबनेल सब बनता है और काफ़ी क्रिएटर पिक्सल लैब की मदद से ही अच्छा अच्छा थंबनेल बनाता है। तो गाइज, जैसा मैं थंबनेल बनाता हूँ उसी प्रकार का थंबनेल मैं आज एक आपको बनाकर दिखाने वाला हूँ। और मैं आपको लगभग पिक्सल लैब की सारी टूल के बारे में बता दूंगा जिसके मदद से आप काफ़ी शानदार अपने हिसाब से आप अपने वीडियो के अकॉर्डिंग आप थंबनेल बना पाओगे। तो चलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको अपना पिक्सल लैब को ओपन कर। सो गाइज, जैसे ही आप पिक्सल लैब एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। गाइज, यहाँ पर आपको इस तरह रोटेट नहीं रहेगा। गाइज, यहाँ पर मैंने अपने फ़ोन में इस एप्लीकेशन को रोटेट करके रखा हूँ, इसीलिए यहाँ पर मुझे ऐसा शो कर रहा है। आपको यहाँ पर सीधा शो करेगा, तो आपको टेंशन लेना नहीं है। सिंपली सबसे पहले इस बैकग्राउंड को आपको साइज सेट कर लेना है यूट्यूब थंबनेल के अकॉर्डिंग। यूट्यूब थंबनेल का साइज जितना रहता है उसका साइज के अकॉर्डिंग यहाँ पर इसका बैकग्राउंड का साइज सेट करना है। उसके लिए आपको करना क्या, सिंपली आपको इस 3 डॉट पर क्लिक करना है। देन यहाँ पर आपको इमेज साइज पर क्लिक कर देना है। देन आपको यहाँ पर कस्टम के यहाँ पर राइट साइड में एक एरो रहेगा, सिंपली आपको उस एरो पर क्लिक करना है। देन यहाँ पर आपको यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाएगा यूट्यूब थंबनेल, सिंपली आपको यूट्यूब थंबनेल पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर जिस साइज में यूट्यूब का थंबनेल रहता है वो साइज यहाँ पर सेट हो जाएगा। देन आपको करना क्या है, यहाँ पर सिंपली आपको ओके पर क्लिक कर देना है। तो ये साइज यूट्यूब थंबनेल के अकॉर्डिंग यहाँ पर सेट हो जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर इस टेक्स्ट को डिलीट कर लेना है, ठीक है। डिलीट करने के लिए इस टेक्स्ट पर क्लिक करना है। देन इस डिलीट वाले बटन पर क्लिक करना है। देन यहाँ पर आपको कन्फर्मेशन आएगा, सिंपली आपको ओके कर देना है। तो इस बैकग्राउंड पर से वो टेक्स्ट डिलीट हो जाएगा जो फालतू का टेक्स्ट रहेगा। देन आपको करना क्या है, इस बैकग्राउंड में आपको एक अच्छा सा बैकग्राउंड इमेज सेट करना है। गाइज, आप सिंपली इस प्लस आइकन पर क्लिक करके देन फ्रॉम गैलरी पर क्लिक करके आप अपने गैलरी से भी कोई सा भी एक इमेज लगा सकते। सो गाइज, फिलहाल मैं अपने गैलरी से कोई बैकग्राउंड इमेज नहीं ले रहा हूँ बिकॉज मैं इसी एप्लीकेशन से एक बैकग्राउंड बनाने वाला हूँ। और आप सब देखते होंगे मेरे बैकग्राउंड में थंबनेल का जो बैकग्राउंड रहता है वो ब्लैक, रेड या फिर वाइट, ग्रीन, ये ऐसा रहता है, ठीक है। तो मैं इसी एप्लीकेशन से बनाता हूँ वैसा बैकग्राउंड। तो वैसा बैकग्राउंड बनाने के लिए आपको करना क्या है, सिंपली आपको इसको स्क्रॉल करके इधर की तरफ आना है और यहाँ पर देख सकते हो इस तरह का एक ऑप्शन रहेगा, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। देन आपको कलर पर क्लिक करना है। उसके बाद कलर पर क्लिक करने के बाद आप जैसे कलर पर क्लिक करोगे तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर कलर पर रहेगा, तो आपको नीचे आ जाना है ग्रेडिएंट पर, ठीक है। ग्रेडिएंट पर आने के बाद यहाँ पर आपको एक ग्रेडिएंट बनाना है। तो मैं पहले से एक ग्रेडिएंट बनाकर रखा हूँ, यहाँ पर देख सकते हो इस तरह का ग्रेडिएंट है, वाइट और रेड करके। आपको इस तरह का बनाना चाहते हो आपको करना क्या, सिंपली इस प्लस आइकन पर क्लिक कर देना है। देन यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेगा, एक इधर साइड लेफ्ट साइड की तरफ रहेगा और एक राइट साइड की तरफ रहेगा, ठीक है। तो आपको एडजस्ट करना है इसको अपने हिसाब से। और यहाँ पर इस तरह एक रहेगा कि कितने में आप व्हाइट रखना चाहते हो, कितने में रेड रखना चाहते हो, तो ये आप अपने से एडजस्ट कर लेना। और गाइज, इसका कलर अगर आप चेंज करना चाहते हो, एक बार आप ब्लैक रखना चाहते हो, एक बार आप येलो रखना चाहते हो, तो वो कैसे करोगे, सिंपली आपको जिस साइड का कलर आपको चेंज करना है उस साइड पर सबसे पहले यहाँ पर ये जो ऑप्शन है इस तरह स्क्रोल करने का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। देन आपको कलर पर क्लिक करना है और जो कलर आपको पसंद आ रहा है उस कलर को यहाँ से सिलेक्शन कर लेना है। देन ओके वाले बटन पर क्लिक कर देना है, तो वो कलर यहाँ पर इस साइड आ जाएगा। और इस साइड का भी आपको चेंज करना है तो इस साइड पर क्लिक करना, देन कलर पर क्लिक करना और आपको जो कलर रखना चाहते हो वो कलर आप रख सकते हो। देन आपको ओके कर देना। तो देख सकते हो इस तरह का कलर ग्रेडिंग हो गया है, मैं आपके सामने एक ग्रेडिंग बना लिया हूँ, कितना अच्छा लग रहा है देखने में। तो मैं फिलहाल मैं वही बाई डिफॉल्ट पहले से जो मैं बनाकर रखा था वही मैं ग्रेडिंग यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ अपने थंबनेल।
और गाइज उसके बाद बैकग्राउंड को अपने सेट करने के बाद यहाँ से आपको टिक कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना एक इमेज सेट करना है। तो यहाँ पर आपको अपना फोटो को एड करने के लिए आपको करना क्या है, सिंपली आपको इस प्लस आइकन पर क्लिक कर देना है, देन आपको फ्रॉम गैलरी पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको अपना फोटो को सिलेक्ट कर लेना है। या फिर अगर अपना फोटो नहीं देना चाहते हो तो आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हो, जैसे मैं गूगल से डाउनलोड करके उसका बैकग्राउंड रिमूव करके अपने थंबनेल में यूज करता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो इस थंबनेल में यहाँ पर गूगल का फोटो है, ये मेरा फोटो नहीं है, ठीक है, ये गूगल से मैंने डाउनलोड किया हूँ और इसका बैकग्राउंड रिमूव करके अपने थंबनेल में यूज कर रहा हूँ। तो आप सभी मेरी तरह यूज कर सकते हो अगर अपना खुद का फोटो ऐड नहीं करना चाहते हो। तो ये तो एक तरीका हो गया कि डायरेक्ट आप यहाँ से आप इस प्लस आइकन पर से क्लिक करके आप डायरेक्ट अपने गैलरी में जाकर अपने फोटो को ऐड कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पर इस वाले बटन पर क्लिक करके यहाँ से आप इम्पोर्ट वाले बटन पर क्लिक करके डायरेक्ट आप गैलरी में आ जाओगे तो यहाँ से आप सिलेक्शन कर सकते हो। तो दोनों तरीका में से आप जो आपको बेटर लगे उस तरीके से आपको अपना फोटो को ऐड करना है। सो गाइस देख सकते हो यहाँ पर मैं ये इमेज सेट कर रहा हूँ अपने थंबनेल में। अगर आपका अपना खुद का फोटो अगर आप यूज नहीं करना चाहते हो अपने थंबनेल में तो आप गूगल से भी इस तरह का फोटो आप डाउनलोड कर सकते हो और अपना थंबनेल में यूज कर सकते हो। तो देख सकते हो गाइज इस तरह आप इसका साइज क्रॉप कर सकते हो। और गाइज सबसे पहले आपको करना क्या है, जो इमेज आप यूज करना चाहते हो अपने थंबनेल में उसका बैकग्राउंड रिमूव होना चाहिए। आप यूट्यूब पर देख लेना अगर नहीं आता है आपको बैकग्राउंड रिमूव करना फोटो का, तो ठीक है यूट्यूब पर काफ़ी सारा वीडियो है कि कैसे आप बैकग्राउंड रिमूव करोगे फोटो को। सिंपली आपको यहाँ पर साइज एडजस्ट करने के बाद इस टिक वाले बटन पर क्लिक कर देना। जैसे आप टिक वाले बटन पर क्लिक करोगे तो आपका इमेज यहाँ पर आपके इस थंबनेल पर आ जाएगा इस बैकग्राउंड में। तो इस तरह मैं इसको सेट कर दे रहा हूँ, देख सकते हो गाइस। आप भी इस तरह अपने फोटो को सेट कर लेना, अपने अकॉर्डिंग सेट करना, जैसा आप सेट करना चाहते हो उस हिसाब से आपको यहाँ पर सेट करना है। तो मैं इस तरह इसको सेट कर दे रहा हूँ, देन इस तरह सेट करने के बाद मैं यहाँ पर बाहर क्लिक करूँगा। उसके बाद यहाँ पर मैं ए वाले बटन पर क्लिक करूँगा टेक्स्ट को ऐड करने के लिए, इस ऐड वाले बटन पर क्लिक करूँगा या फिर मैं इस प्लस आइकन पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं टेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर दूँगा। दो तरीका है टेक्स्ट को लिखने के लिए, ऐड करने के लिए अपने थंबनेल में। एक तरीका है डायरेक्ट यहाँ से आप इस ए वाले बटन पर क्लिक करके यहाँ पर ऐड टेक्स्ट रहेगा, सिंपली यहाँ से आपको इसको काट देना है। जो टेक्स्ट आप यहाँ पर ऐड करना चाहते हो वो टेक्स्ट यहाँ से आप ऐड कर सकते हो। तो देख सकते हो गाइस मैं इस तरह लिख दिया हूँ हाउ टू मेक यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ। देन हाउ टू मेक लिखने के बाद आपको डन वाले बटन पर क्लिक कर देना है। अगर आप सभी यहाँ पर जितना लेटर है वो सभी कैपिटल में रखना चाहते हो तो आप इस वाले बटन पर क्लिक करोगे तो जितना लेटर आप लिखे रहोगे वो सभी कैपिटल में हो जाएगा। तो मैं फिलहाल यहाँ पर मैं जो स्टार्टिंग का लेटर है वो उसी को मैं कैपिटल रहने देता हूँ और बाकी बाद मैं सभी को स्मॉल कर दे रहा हूँ। तो देख सकते हो मैं इस तरह कर दिया हूँ। उसके बाद मैं ओके वाले बटन पर क्लिक कर दूंगा तो ये टेक्स्ट मेरे थंबनेल के यहाँ पर आ जाएगा। देख सकते हो यहाँ पर ये आ गया है हाउ टू मेक। और गाइज इसका फॉन्ट आपको चेंज करना है। सबसे पहले इसको फॉन्ट चेंज करने के लिए आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको स्क्रॉल करके इधर की तरफ नीचे की तरफ आना है। नीचे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा फॉन्ट, सिंपली फॉन्ट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। देन आपको यहाँ पर बाय डिफॉल्ट फॉन्ट यहाँ पर काफ़ी सारा दिया रहेगा, बेसिक में बहुत फॉन्ट रहेगा, तो जो आप फॉन्ट देना चाहते हो रखना चाहते हो वो फॉन्ट आप रख सकते हो। मैं यहाँ पर फॉन्ट रख रहा हूँ और गाइज यहाँ पर मैं ओके कर दूंगा तो ये फॉन्ट इस टेक्स्ट पर ऐड हो जाएगा। तो इस तरह का यहाँ पर लगने लगेगा। और गाइज इसमें मैं एक बैकग्राउंड यहाँ पर इसका बैकग्राउंड ऐड कर रहा हूँ। गाइज बैकग्राउंड ऐड करने के लिए सिंपली बैकग्राउंड पर मैं क्लिक कर दूंगा, देन इस टॉगल बटन पर मैं क्लिक कर दूंगा तो इसका बैकग्राउंड जो शेडो वाला बैकग्राउंड रहता है वो ऐड हो जाएगा। उसके बाद इसका कलर आप बैकग्राउंड का कलर सेट कर सकते हो यहाँ से अपने अकॉर्डिंग। तो मैं इसका कलर मैं ब्लैक रहने देता हूँ और इसका लेफ्ट पैडिंग में थोड़ा बढ़ा दे रहा हूँ 10% कर दे, लेफ्ट पैडिंग 10% कर दिया हूँ और राइट पैडिंग 11% कर दिया हूँ और बॉटम से थोड़ा मैं कम कर ले रहा हूँ, ठीक है, बॉटम से मैं टॉप से मैं कम कर दे रहा हूँ पैडिंग और बॉटम से भी मैं थोड़ा कम कर दे रहा हूँ। यहाँ पर दोनों 17:17 आपको कर देना है -17 और रेडियस में थोड़ा बढ़ा ले रहा हूँ, ठीक है। देख सकते हो गाइस मैं इस तरह रेडियस बढ़ा ले रहा हूँ। उसके बाद मैं टिक कर दूंगा। उसके बाद मैं फॉन्ट का कलर चेंज कर रहा हूँ और फॉन्ट का कलर चेंज करने के लिए आपको करना क्या है, सिंपली कलर वाले बटन पर क्लिक करना है। देन आपको जिस कलर में आपका फॉन्ट रखना चाहते हो उस कलर पर आपको क्लिक कर देना है तो आपका फॉन्ट का कलर चेंज हो जाएगा। मैं फिलहाल फॉन्ट का कलर व्हाइट रख रहा हूँ। उसके बाद मैं ओके वाले बटन पर क्लिक कर दूंगा, ओके नहीं
टिक वाले बटन पर क्लिक कर दूंगा, तो आप इस तरह अपना टेक्स्ट को ऐड कर सकते हो। और गाइज दूसरा टेक्स्ट ऐड करने के लिए आपको करना क्या है, सिंपली आपको बाहर बैकग्राउंड पर क्लिक करना है, देन आपको यहाँ पर ऐड टेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप टेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करोगे तो न्यू टेक्स्ट का ऑप्शन आ जाएगा, बॉक्स आ जाएगा, देन आपको एडिट वाले बटन पर क्लिक करना है और आपको इसको न्यू टेक्स्ट को हटाकर जो आप लिखना चाहते हो वो आप लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पर वीडियो ऐड कर रहा हूँ ठीक है, वीडियो लिखकर ऐड कर रहा हूँ। उसके बाद मैं ओके वाले बटन पर क्लिक कर दूंगा, फिर से मैं ओके वाले बटन पर क्लिक कर दूंगा। उसके बाद मैं इसका फॉन्ट एक सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, फॉन्ट में वही फॉन्ट कर दे रहा हूँ, मीम फॉन्ट कर दे रहा हूँ, देन मैं ओके कर दूंगा। और गाइस जो टेक्स्ट का बीच का जो गैप है उसको बढ़ाने के लिए आपको करना क्या है, सिंपली आपको स्पेसिंग पर क्लिक करना है और इसका स्पेसिंग थोड़ा बढ़ा लेना, ठीक है। आपका बीच का जो टेक्स्ट का एक एक जो टेक्स्ट है उसका बीच का जो गैप है वो बढ़ जाएगा। तो मैं यहाँ पर 15% इसका कर दिया हूँ, 16% में कर दिया हूँ और इसका साइज में इस तरह बढ़ा लूँगा। उसके बाद मैं इसका भी बैकग्राउंड कलर में दे दूँगा, इसका बैकग्राउंड कलर में रेड कर दूँगा और इसका पैडिंग में थोड़ा बढ़ा दूँगा, लेफ्ट पैडिंग यहाँ पर मैं 8% कर दूँगा, राइट पैडिंग भी यहाँ पर 8% कर दूँगा, 99% में कर दे रहा हूँ और बॉटम थोड़ा कम कर ले रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ से मैं बॉटम का भी कम कर ले रहा हूँ, यहाँ पर मैं इसका भी 7% कर दिया हूँ और रेडियस में थोड़ा बढ़ा लूँगा इसका, ठीक है। यहाँ पर इसका रेडियस बढ़ जाएगा इस तरह, ठीक है, आपको इस तरह बढ़ा लेना है। देन मैं यहाँ पर एक इमेज PNG ऐड कर रहा हूँ, PNG को ऐड करने के लिए आपको करना सिंपली इस प्लस वाले बटन पर क्लिक करना है, देन आपको फ्रॉम गैलरी पर क्लिक करना और आप अपने गैलरी से कोई सा भी एक PNG ऐड कर सकते हो, जो PNG आपको ज़रूरत है आपके अकॉर्डिंग, जो PNG आप रखना चाहते हो वो PNG को आपको ऐड कर लेना। तो मैं फटाफट एक PNG को ऐड कर दे रहा हूँ, YouTube का PNG। सो गाइज देख सकते हो यहाँ पर मैं YouTube का PNG ऐड कर रहा हूँ अपने थंबनेल में। गाइज अगर आप सबको भी YouTube का PNG चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप Google Chrome से जाकर डाउनलोड कर सकते हो, आपको ढेर सारा PNG मिल जाएगा। तो मैं फिलहाल इसको ऐड कर ले रहा हूँ अपने थंबनेल में और उसके बाद आपको अपने अकॉर्डिंग आपको अपना पोजीशन सेट करना है कि कहाँ पर आपको अपना इस PNG को ऐड करना है। देन मैं एक और यहाँ पर टेक्स्ट ऐड कर रहा हूँ, टेक्स्ट ऐड करने के लिए मैं क्या करूँगा, सिंपली इस प्लस आइकन पर क्लिक करूँगा, देन मैं टेक्स्ट पर क्लिक करूँगा और यहाँ टेक्स्ट का बॉक्स आ गया है। देन उसके बाद मैं क्या करूंगा, इस ए वाले बटन पर क्लिक करूंगा, देन मैं एडिट पर क्लिक करूंगा और इस टेक्स्ट में जो लिखा है वो हटा दूंगा और यहां पर मैं प्रोफेशनल लिख दूंगा, प्रोफेशनल लिख दिया हूँ। देन मैं डन पर क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पर फिर से मुझे ओके पर क्लिक करना पड़ेगा। देन यहाँ पर आपको इसको बढ़ा लेना है, आप अपने हिसाब से इसका साइज रखना। मैं यहाँ पर बस मैं आपको अपना जो इस वीडियो का थंबनेल है उसको मैं आपको बनाकर दिखा दे रहा हूँ, तो आपको अपने हिसाब से आपको अपना टेक्स्ट का साइज रखना है। और गाइज यहाँ पर देख सकते हो मैं अपने बाहर से जो टेक्स्ट यहाँ पर फॉर्मेट टेक्स्ट का जो फॉर्मेट रहता है उसको ऐड किया हूँ। तो अगर आप सबको भी बाहर से ऐड करना है फॉन्ट का स्टाइल, देख सकते हो यहाँ पर काफ़ी अच्छा अच्छा फॉन्ट का स्टाइल रहता है बाहर से अगर आप ऐड करते हो तो अगर आपको भी ये करना है बाहर से अपने फॉन्ट का स्टाइल ऐड करना है अपने पिक्सल लेम में तो वो आप कैसे करोगे, उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिलहाल मैं अपने फाइल से एक ये वाला फॉर्मेट ऐड कर रहा हूँ अपने टेक्स्ट में, देन ओके कर दूंगा। देन ओके करने के बाद इसका साइज मैं इस तरह बढ़ा लूँगा और उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसका सिंपली मैं सबसे पहले इसका बैकग्राउंड दे दूँगा, एक बैकग्राउंड दे दूँगा, इसका भी बैकग्राउंड मैं दे दूँगा ब्लैक और उसके बाद इसका साइज मैं थोड़ा लेफ्ट पेडिंग बढ़ा दूँगा और 8% कर दूंगा और इसका राइट पेडिंग भी 8% कर दूंगा, 99% कर दिया हूँ। और यहाँ पर इसका बॉटम सब सही है, सिर्फ यहाँ पर मैं इसका ये वाला कम कर दूंगा, आपको अपने हिसाब से कर लेना है। उसके बाद मैं इसका इस फॉन्ट का कलर में चेंज करने जा रहा हूँ, कलर चेंज करने के लिए सिंपली कलर में जाना है, देन इसका कलर मैं कर दे रहा हूँ, ये वाला मैं कलर कर दे रहा हूँ इसका, देन उसके बाद मैं टिक कर दूंगा। उसके बाद फिर से मुझे एक और एक्स्ट्रा ऐड करना है टेक्स्ट, उसके लिए क्या करना है, सिंपली मैं बाहर क्लिक करूंगा, देन ऐड वाले बटन पर क्लिक करूंगा, प्लस आइकन पर, देन टेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद मैं एडिट वाले बटन पर क्लिक करूंगा और जो मुझे लिखना है वो मैं यहां से लिख सकता हूं, थंबनेल में यहां पर लिख देता हूं प्रोफेशनल थंबनेल, यहाँ पर मैं थंबनेल लिख दे रहा हूँ। उसके बाद मैं ओके कर दूंगा और उसके बाद फिर से मैं ओके कर दूंगा, देन इसको पकड़ कर मैं यहाँ पर ले आऊँगा और इसका फॉर्मेट में थोड़ा कर लूँगा, फॉर्मेट में जाकर इस टेक्स्ट का फॉर्मेट में कर दे रहा हूँ, वही जो इससे पहले मैं एक टेक्स्ट का फॉर्मेट किया था वही फॉर्मेट में कर दे रहा हूँ, ग्लोबल बोल्ड ये इटैलिक, ठीक है, ये वाला टेक्स्ट में कर रहा हूँ। उसके बाद मैं इसको इस तरह बड़ा कर लूँगा और गाइज उसके बाद मैं इसका भी शेडो में ब्लैक कर दूँगा,
और ब्लैक करने के बाद इसका ब्लैक कर दे रहा हूँ, उसके बाद इसका भी पेडिंग थोड़ा बढ़ा ले रहा हूँ, 8% 9% कर दे रहा हूँ, लेफ्ट पेडिंग भी यहाँ पर 9% कर दे रहा हूँ, और यहाँ पर इसका रेशियो थोड़ा रेडियस सॉरी गाइस रेशियो नहीं रेडियस में थोड़ा इसको बढ़ा लूँगा। देन मैं ओके वाले बटन पर क्लिक कर लूँगा और इस टेक्स्ट का मैं कलर चेंज कर दूँगा, कलर में कर दे रहा हूँ रेड कर दूँ। आपको कौन सा कलर में रखूँ आप ही बताओ यार, कमेंट में बता देना कौन सा रखना चाहिए मुझे। मैं वाइट कर दे रहा हूँ, ठीक है, वाइट काफ़ी अच्छा लगेगा, मैं वाइट ही कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इस टेक्स्ट का कलर में कर दिया हूँ वाइट, देन वाइट करने के बाद इसको मैं इस तरह एडजस्ट कर लूँगा, उसके मेरा थंबनेल बनकर तैयार हो गया है। तो देख सकते हो गाइस मेरा थंबनेल बनकर तैयार हो गया है, तो आप सब भी इसी प्रकार से अपना थंबनेल बना सकते हो पिक्सल ले। और इस थंबनेल को अपने गैलरी में सेव करने के लिए आपको करना क्या है, सिंपली आपको इस वाले बटन पर क्लिक कर देना है, देन आपको सेव एज पर क्लिक करना है, सेव एज इमेज पर, देन यहाँ पर आपको डायमेंशन पर क्लिक करना है, यहाँ पर देख सकते हो डायमेंशन कस्टम, और यहाँ पर एक एरो है, इस वाले एरो पर क्लिक करना है, देन सबसे नीचे की तरफ आ जाना, नीचे एक ऑप्शन रहेगा अल्ट्रा, सिंपली आपको अल्ट्रा पर अल्ट्रा क्वालिटी पर सेव करना है, देन आपको यहाँ पर सेव टू गैलरी पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर ये प्रोसेसिंग चालू होगा, सेविंग प्रोसेसिंग चालू हो जाएगा, देन सेविंग प्रोसेसिंग चालू होने के बाद यहाँ पर ऐड चलेगा, ऐड चलने के बाद ऐड यहाँ पर ख़त्म जैसे ही हो जाएगा आपके गैलरी में आपका थंबनेल सेव हो जाएगा। तो आई होप यू गाइस आपको सारा चीज़ समझ में आ गया होगा, किसी भी तरह का आपको दिक्कत हो और किस टॉपिक पर आगे का वीडियो मैं अपलोड करूँ आप सब मुझे कमेंट जरूर करना, और यहाँ तक आप इस वीडियो को देख रहे हो तो इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अभी तक मैं आप सबको लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोला था, तो प्लीज़ यार इस वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए।